आते कवर कि डूंगी की थोड़ी होर पट्टी होंगी फटे दी जाने से आ मिट्टी है ही नहीं इतने इन्नी बड़ी पट्टी हुई है तो मिट्टी कितने है ही नहीं लैता। इस शमशान घाट के पिछले कुछ दिनों तो शिकायतें मिल रही थी कि इतने कोई टूने कर रहा क्योंकि किसी कवर की मिट्टी पट हो जाती सी तो कित लाशा के नाल जी इतने जो उन्होंने जलाया जाता छेड़छाड़ की जाती सी तो किसी ने कॉल की जिदा कहते भी थोड़े उत्थे सिव्या के कुड़ी की लाश फूलते पे है पहुंच के तो जो देखे उ दो बंदे से खड़े जाके उन्होंने जानी दीवा वाले हुआ सराने वे पौआ रखे हुआ सी प्रसाद रखे हुआ सी जादू टूना टोटका किया होगा जो पुछण की कोशिश की मतलब कि उन्होंने है ना कहा भी असं इतने मत्था टेकन आए हैं भी माता राणी अस क्या भी इतने कोई मंदिर तो है नहीं जरा मत्था टेकन आए हैं करन की गया सी की दस्या सी उन्हें किसी सियाने बंदे ने दस्ता तू पूजा करे जी वह जिदा उहदी कुड़ी बीमार सी वह उदा चल गया जी सियाना बंदा किहड़ा उहनूं तां जिस पिंड च पुछिया होना उहने कि तू पिंड जाऊगा तो उहनूं उदा दस्ता सी। डेली पोस्ट पंजाबी तुसी देख रहे हो और मैं लाल कमल इस टाइम मौजूद हाँ शमशान घाट विखे पिंडां दे विच जिन्हों आपां कबरां भी कहने जां सिवे भी कहने ज्यों ज्यों दिवाली नेड़े आ रही है त्यों त्यों जिहड़े लोग आ जिहड़े सुख की तलाश के जिहड़े आ वो टूने टमणां वल जिहड़े विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। इस शमशान घाट के पिछले कुछ दिनों तो शिकायतें मिल रही थी कि इतने कोई टूने कर रहा क्योंकि किसी कबर की मिट्टी पट हो जाती सी कितने जी वो लाश के नाल जिन्हों परमात्मा जिन्हां इंसानों वापस बुला लैंदा उन्हां दीआं लाशां दे नाल जिहड़ी आ ते जदों उन्हां जलाया जांदा सी छेड़छाड़ की जाती सी कुछ इस तरह का ही मामला जिहड़ा आ वो सामने आया जदों लोगों वालों इत्थे एक व्यक्ति जिहड़ा आ वो टूने करदा जिहड़ा फड़ हो गया और फड़ होण तों बाद उहने की किया तुसीं वीडियो देख की नाम भैन जी ममता की होया सी उदण जिहड़ा सिव्यां च होया उस करीब रात रात दे 9 बजे होए सी ते मतलब कि मेरे भरा हुणी मतलब कि उत्थे ही सीगे सारा दिन तो जदों वापस फिर गेड़ा मान रोटी खाण आए तो अजे आके खड़े ही हुए सी घरे आके तो मतलब कि उत्थे किसी ने कॉल की जिदा कहिंदे भी तुहाडे उत्थे सिव्यां दे विच कुड़ी दी लाश फूलदे पए आ भी अजे मतलब कि पूरा होया भी नहीं सीगा शमशान च अग बलदी पई सी जाने कि हिलो हिलजुल करदे सीगे तो असी उस टाइम उत्थे पहुँच गए सीगे पहुँच के तो जो देखे उत्थे दो बंदे सीगे खड़े जाके उन्होंने जानी दीवा बाले हुआ सी सराने वे तो पौआ रखे हुआ सी प्रसाद रखे हुआ सी तो मतलब कि जो असी उत्थे देखिया उन्हूं तो उन्हें रंगे हाथी फड़ लिया सीगा एक भज गया सी तो एक हाथ आ गया सीगा फिर जो उन्होंने असी पुछण की कोशिश की तो मतलब कि उन्होंने है ना कहा भी असं इतने मत्था टेकन आए हैं भी माता राणी अस क्या भी इतने कोई मंदिर तो है नहीं जरा मत्था टेकन आए हैं जानी उन्होंने असी पुछ गए चंगी तरह की तो करके मतलब कि फिर जानी दो चार उन्होंने लाइया भी इदा तो भी सानू कुछ दसे सही तरह तो वह जाने के उन्होंने जादू टूना टोटका किया होगा नाम पता भैन जी की सुना नाम इदा नहीं पता वह कहते सी कवाड़ी ए आए कोई कलोनिया दे विच इत्थों अपने पंजाब दे ही है जां बाहले अपरे दे ही है हाँ जी अपरे दे ही है दो बंदे सीगे एक हाथ आ गया सी एक नठ गया सी सुन की गल होई गल भाजी इहो सी बंदा चल गया वह किसी ने दस्या सी उदां मातड़ जिहा बंदा सी वह किसी ने वेख्या में चल गया उदां अपने जिहा काम करन लग पिया सीगा ते उहनूं उहदे कोल उहनूं कुट्टिया सीगा ते उहदी दो ने लत्तां टुट गईआं उह पिया हॉस्पिटल इस्टां उह तां पिया करन की गया सी की दस्या सी उहनूं उन्होंने किसी सियाने बंदे ने दस्ता तू पूजा करे जी वो जिदा उहदी कुड़ी बीमार सी वह उदा चल गया जी बाकी तो मैनू पता नहीं थोड़े इतने दुकान पर कम करदा ना साढ़े को माल बेचता सी
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ? ਭਾਅ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ? ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਪਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੜਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਟੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸੁਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਮਲ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ।